छोटे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों का हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में तस्वीर नामक पाठ का पहला भाग परिचय किया है। चार पंक्तियों का आशय और शब्दार्थ पढ़ा, ये सब आपको याद है ना? ठीक है बच्चों, अगला भाग देखिए, पार्ट 3 तस्वीर। बच्चे बूढ़े तस्वीर देखने आए, रुपये पैसे सब साथ लाए, किसी को चिड़ियों का तस्वीर पाया और किसी ने पशुओं का चित्र उठाया। बच्चों इस भाग पर कुछ नए शब्द है, देखिए। नए शब्द बूढ़े ओल्डर, रुपये रुपीस, पैसे पैसे, फाया फेवर। एक और बार देखिए, बूढ़े ओल्डर, रुपये रुपीस, पैसे पैसे, फाया फेवर। बच्चों इन पंक्तियों का आशय क्या है? सब लोग तस्वीर देखने आए, इसमें बच्चे और बूढ़े भी है। सब लोग तस्वीर खरीदने के लिए रुपये और पैसे साथ लाया। कुछ लोगों को चिड़ियों का चित्र अच्छा लगा और किसी ने पशुओं का चित्र उड़ाया। Summary of the poem. When the salesman came, everyone reached there to see the pictures. The children and the elders came near the pictures with great enthusiasm. They also had money to buy the pictures. Some of them liked the pictures of birds, but others like the pictures of animals. आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।